हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को और आपके परिवार को 2023 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके लिए 2023 खुशियों भरा रहें और खुशहाल रहें, ये हमारी दुआएं। और आपका साथ हमारे साथ बना रहें, और आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि राजस्थान के मौसम से जुड़ी जानकारी हर किसान साथी के साथ पहुँच सकें। और हमारा भी यही प्रयास है कि हम राजस्थान के हर किसान तक राजस्थान से जुड़ी मौसम की जानकारी सही एवं सटीकता के साथ पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं वर्तमान में संपूर्ण भारत में किस प्रकार के मौसमी क्षेत्र बने हुए हैं। नव वर्ष में देखा जाए तो 1 जनवरी को एक WD वर्तमान में देखा जाए तो उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों में, उत्तरी इलाकों में आपको बादल जैसी गिद्धियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन वर्तमान में देखा जाए तो मध्य पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों के इलाकों में बादलों जैसी गिद्धियां देखने को मिल रही हैं। बाकी देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में दक्षिणी दिशा से आने वाली हवाओं का प्रभाव आने वाले 24 घंटों के अंदर देखने को मिल सकता है, परंतु इन क्षेत्रों में सुबह के समय सर्दी का काफ़ी प्रकोप देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में देखा जाए तो 10 जनवरी तक इन संपूर्ण इलाकों में तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कहीं कई इलाकों में ओस जैसी जमने की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लगाकर दक्षिणी मध्य इलाकों तक उत्तरी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों आए WD के प्रभाव से देखा जाए तो उत्तरी हिमालय क्षेत्रों में काफ़ी भारी बर्फबारी देखने को मिली थी, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में वर्तमान में उत्तरी दिशा से हवाओं का रहने की संभावना है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कहीं कहीं शीतलहर का भी प्रभाव देखने को मिले। WD की बात करें तो आने वाले समय में WD लगातार आपको देखने को मिलेगी, परंतु बारिश की गतियां राजस्थान के इलाकों में लगभग देखा जाए तो 15 जनवरी से पहले कोई विशेष वर्ष की गतियां देखने को नहीं मिल सकती। हो सकता है कहीं की उत्तरी राजस्थान के इलाकों में बूंदाबांदी जैसी गतियां देखने को मिल जाए, परंतु विशेष या तेज या मूसलाधार वर्ष की गतियां राजस्थान के इलाकों में आने वाले एक सप्ताह तक लगभग देखने को नहीं मिलेगी। वर्तमान में देखा जाए तो पश्चिमी जैरधारा की क्या स्थिति है। वर्तमान में देखा जाए तो पश्चिमी जैरधारा का उत्तरी सिरा देखा जाए तो आप देख सकते हैं राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी भागों से गुजरते हुए नजर आ रहा है। दक्षिणी सिरा की बात करें तो मध्य भारत के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसके प्रभाव से WD का प्रभाव अब उत्तरी भारत के इलाकों में कहीं कहीं तेज या काफी देखने को मिल रहा है, परंतु कोई विशेष या मजबूत WD इस साल अब तक देखने को नहीं मिला है। जो पिछले दिन आए WD काफी मजबूत था, परंतु उसके प्रभाव से उत्तरी हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और तेज बारिश की गतियां देखने को मिली, जिस कारण से उत्तरी भारत सहित राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, राजस्थान सहित कई इलाकों में तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कहीं कहीं तेज या मूसलाधार बारिश की गतियां आने वाले एक सप्ताह तक संपूर्ण राजस्थान सहित कई इलाकों में देखने को न मिले। वर्तमान में आए WD के प्रभाव से देखा जाए तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में हल्के बादलों की गतियां देखने को मिल रही हैं, परंतु इस बादलों की गतियों की बात करें तो 2 से 3 जनवरी के आसपास इन क्षेत्रों में काफी बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे, परंतु बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगी। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में वर्तमान में काफी घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। संपूर्ण इलाकों में देखकर बात करें तो इन क्षेत्रों में काफी घना कोहरा देखने को मिल रहा है, और बादलों की गतियों की बात करें तो उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के अंदर कहीं कहीं हल्के बादल बने हुए हैं, और आने वाले 2 से 3 जनवरी के आसपास की बात करें तो इन क्षेत्रों में हल्के बादलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु उच्च क्षेत्र इसके बाद फिर से इन क्षेत्रों में तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कहीं कहीं जमा बिंदु तक तापमान देखने को मिले। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के किन किन इलाकों में कैसा रहने वाला है तापमान। 1 जनवरी के मौसम की बात करें तो आज राजस्थान के उत्तरी इलाकों में विशेषतः देखा जाए तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू क्षेत्रों में कहीं की हल्के बादलों की गतियां देखने को मिल रही हैं। बाकी संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो मौसम बिल्कुल शुष्क एवं साफ देखने को मिल रहा है, और सर्दी की बात करें तो इन क्षेत्रों में काफी कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के आसपास के इलाकों की बात करें तो इन मरुस्थलीय जिलों में तापमान में तेजी से गिरावट और सुबह के समय काफी कड़ाकेदार सर्दी देखने को मिल सकती है। बाकी बात करें अरावली क्षेत्रों से लगाकर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में तो इन क्षेत्रों में भी आने वाले समय में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी, बादलों जैसी गतियां इन क्षेत्रों में जरूर देखने को मिल सकती हैं।
बाड़मेर से लगाकर जोधपुर नागौर सीकर के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्र में वर्तमान में आज देखा जाए तो हल्की दक्षिण दिशा से आने वाली हवाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान के आसपास बने सर्कुलेशन के प्रभाव से इन क्षेत्रों में दक्षिण दिशा से हवा देखने को मिल रही है। और आने वाले एक सप्ताह तक देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान का मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है और कड़ाकेदार सर्दी का सामना संपूर्ण किसानों को देखने को मिल सकता है। और कोहरे का प्रभाव राजस्थान के उत्तरी इलाकों में देखा जाए तो बीकानेर नागौर चूरू झुंझुनू सीकर के आसपास के इलाकों में लगातार देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।